सूरज के प्रचंड तेवर इन दिनों हलाकान किए हुए हैं। ना दिन को चैन है ना रात को आराम। आलम गर्मी का ऐसा ही कुछ है मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह है, आसमान से सूरज शोले बरसा रहा है तो धरती आग उगल रही है। ऊपर से पानी और बिजली की कटौती ने जीना दुश्वार कर रखा है आम आदमी का। पारा सातवें आसमान पर मालूम होता है। नौतपा ने ऐसा तपाया कि उसकी तपिश कम होने के बजाय और बढ़ गई है। भोपाल में पारा 45 पार है तो सूबे के कई शहरों में ये 47 का आंकड़ा छू गया है। सबसे बड़ी समस्या इस भीषण गर्मी में पानी और बिजली ने पैदा की है। सूबे के कई शहरों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ तक कि राजधानी भोपाल में भी पानी के लिए लंबी कतारें हर गली मोहल्लों में देखी जा सकती हैं। बिजली कटौती ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। बताया जाता है बिजली की जितनी मांग है उससे 1.5 गुना उत्पादन हो रहा है, बावजूद इसके बिजली का संकट बना हुआ है। कहना तो लोगों का यह भी है कि बिजली का संकट पैदा किया गया है। सीएम कमलनाथ ने जिम्मेदारों को साफ कह दिया है बिजली की कटौती नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही। गौरतलब है दिग्विजय शासन काल में बिजली का संकट ही सरकार पर मुसीबत बना था और अब फिर कांग्रेस का राज है तो बिजली आंख मिचौली करने लगी। यही कारण है विपक्षियों को भी निशाना साधने का मौका खुद सरकार दे रही है। झुलसा देने वाली गर्मी से निजात पाने के लिए जिससे जो जतन हो रहा है कर रहा है, लेकिन सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। बिजली और पानी के संकट से जूझ रही सूबे की आवाम को फौरी राहत की दरकार है। ये सरकार को समझना होगा और तत्काल कुछ करना भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात। मैं हूं अविनाश। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है इस भीषण गर्मी में पानी और बिजली के संकट ने लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। पानी के लिए लंबी कतारें लग रही हैं और बिजली की आंख मिचौली ने लोगों को हलाकान कर रखा है। सीएम कमलनाथ खुद इन दुश्वारियों से लोगों को निजात दिलाने जतन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनने तैयार नहीं। यही है हमारा आज का मुद्दा, बिजली और पानी का संकट। और चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हैं हमारे सलाहकार संपादक रमेश शर्मा जी और बीजेपी के नेता शैलेंद्र प्रधान जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। बहुत अरसे से रमेश जी आपसे पूछना चाहूँगा, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत सरकारें आपने बनती बिगड़ती देखी, भीषण गर्मी जो है इस बार पड़ी है, शायद कई कीर्तिमान उसने नए बना लिए हैं गर्मी ने, लेकिन कांग्रेस की सरकार है, फिर वही बिजली संकट, फिर पानी का संकट, क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो बातें हैं जी। एक तो बिजली का संकट और एक पानी का संकट जी। पानी का संकट तो लगभग इसको आना ही था। उसका एक कारण यह है कि हम पानी को धरती से खत्म करते चले जा रहे हैं जी। बरसात के पानी को ढंग से रोकने का जतन हो रहा है जी। धरती पर अगर आप निर्माण देखेंगे, हमारे मकान से सड़क तक, सड़क को पार करके दूसरे मकान तक, एक इंच जगह ऐसी नहीं है कि धरती थोड़ा सा पानी पी सके। तो फैशन हो गया है शहरों में पेड़ लगाने का जी। खेतों की मेड़ पूरी खाली हैं, नदियों के किनारे काट डाले गए हैं, जंगल सारे साफ हैं जी। तो कुल मिलाकर के पानी रुकेगा कहाँ? नदियों की धार टूटने लगी है। इस बार नर्मदा और बेतवा और चंबल जैसी नदियों की धार टूटी, तो कुल मिलाकर के पानी का संकट तो आना था जी। अब इसको हम किस तरीके से मैनेज करके लोगों की प्यास बुझाएं, ये एक विषय हो गया जी। दूसरा विषय है बिजली का जी। ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक बात है कि मध्य प्रदेश बिजली में एक सरप्लस स्टेट है जी। हम दूसरे प्रांतों को यहाँ से बिजली भेजा करते थे, ऐसी स्थिति में अचानक बिजली का बार बार चले जाना, अच्छा कुछ तो घोषित कटौतियां हो रही हैं और कुछ अघोषित कटौतियां हो रही हैं। आज भी अखबार में छपा है कि भोपाल के कई इलाकों में 8 घंटे बिजली व मेंटेनेंस के वजह से काटेंगे, ये छपा है आज के अखबार में जी। जी। तो ये मेंटेनेंस का अभाव रहा क्या? ऊपर कुछ अघोषित कटौतियां हो रही हैं, तो आखिर ये बिजली जा कहां रही है? स्वाभाविक रूप से ये बहुत आश्चर्यजनक है। हालांकि कांग्रेस के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कर्मचारियों की विपक्ष से मिली भगत है, मुझे नहीं लगता कि कोई कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल से मिलकर के काम करता होगा। सरकारी तंत्र का एक अपना काम करने का तरीका होता है और जो सरकार आती है वो उसके साथ होता है। अगर हम राजनीतिक प्रतिबद्धता देखें भी, तो आप ये जानकर आप भी इस बात को जानते होंगे कि उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, ज्यादातर भर्तियां तो उनके जमाने की हैं, इनके जमाने में तो भर्तियां नहीं हुई, उसके वजह से तो सारे हंगामे हुए। तो कुल मिलाकर के ये बेमतलब का आरोप है। कहीं ना कहीं सरकार को खुद देखना चाहिए कि ये कमी कहाँ है और बिजली क्यों नहीं आ रही और लोग क्यों परेशान हैं जी। शैलेंद्र जी,
क्या कहेंगे इस बिजली के संकट को और पानी के संकट को? बीजेपी के नेता जो हैं अब कहने भी लगे हैं कि जब शिवराज सरकार थी तो बिजली का संकट नहीं था, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो बिजली का संकट उत्पन्न हो गया, और कई तरह के जो है मीम्स भी जो है सोशल मीडिया पर इस बात के लिए निकल रहे हैं और लोग तरह तरह के मजाक कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक कहावत है ना, बैड वर्कमैन क्वारल्स विद टूल्स। जी, मतलब जो खराब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अब वो अपने टूल्स, मतलब जो उसके कर्मचारी, उसको गाली दे रहा। मुख्यमंत्री कह रहा जी कि बिजली की समस्या का मुख्य कारण कर्मचारी है। जी, यानी आप 6 महीने हो गए, कहाँ आप ये कह रहे थे कि हम 22 सीटें लोकसभा की जीतेंगे जी, और आप यानी जो अपने स्टैलवर्ट्स को भी नहीं बचा पाए जी। अब खुद ही माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका बेटा बच गया है जी। तो देखिए, प्रशासन चलाना, जनता का विश्वास जीतना, कर्मचारियों का विश्वास जीतना, ये कला है जी। ये प्रशासन का एक हुनर है जी। और बड़ा शोर सुनते तो उनका, हम तो कि कमलनाथ तो बड़े उद्योगपति हैं और उनकी इतनी उद्योग है और विश्व के बड़े 22 या 25 कंट्रीज में उनकी कंपनीज है, और यहाँ एक राज्य को चलाने में असफल है, और आप कह रहे हैं कि कर्मचारी आपको कोलैप्स कर रहे हैं, आपको फेल्योर करवा रहे हैं। जबकि देखिए, वही कर्मचारी, वही बिजली, वही प्रोडक्शन, वही मशीनरी, और आप कह रहे हैं कि बिजली हम नहीं दे पा रहे, बाबा जनता परेशान है। तो मैं तो यही कहूंगा, अक्षम जी कांग्रेस का राज्य जी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी, आपका बहुत स्वागत इस चर्चा में। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से इस वक्त जो है आसमान से जो है शोले बरस रहे हैं और गर्मी से त्राही त्राही मची हुई है, बहुत सारे इलाके हैं मध्य प्रदेश के, कई ऐसे खासतौर से ग्रामीण अंचल हैं जहाँ पे बिजली पानी का संकट बहुत गहरा गया है, लोग पलायन करने पर विवश हो गए हैं, और ऊपर से बिजली और जो है परेशान करके रखा हुआ है। जैसा अभी शैलेंद्र प्रधान जी कह रहे थे कि जो है प्रशासन जो है और सरकार है वो अक्षम साबित हो रही है इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने में, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे अभी मौजूदा परिदृश्य को? मैं शैलेंद्र प्रधान जी की बात से सहमत हूँ, निश्चित रूप से प्रशासन अक्षम साबित हो रही है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, इसको नियंत्रित करने में, इसको काबू में करने में निश्चित रूप से प्रशासन असफल सिद्ध हो रही है। महत्वपूर्ण बात मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बढ़ती हुई तापमान हो, ये सब मानव निर्मित है। यदि हम समय पे चेंज, आज भी समय है, मुझे लगता है कि यही हालत रही तो आने वाले दिनों में जिस तरह से राजस्थान के चूरू में 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो गया, वैसे ही सचेत न हो तो यही स्थिति आने वाली है। अभी रमेश जी कह रहे थे, निश्चित रूप से हम पानी के संरक्षण को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, हम सारी बातें शासन प्रशासन पर छोड़ देते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, समाज की जो जिम्मेदारियां हैं, हर वर्ग की जो जिम्मेदारी है, उससे हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से हमें निर्वहन करना चाहिए, हर बातों पे सरकार और प्रशासन पे निर्धारित नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि उसको नियंत्रित करने और सीमित करने में प्रशासन तंत्र और सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और उसे करना भी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं पानी के संकट को, आप यदि आज का मुद्दा बना रहे हैं तो पानी के संकट और बिजली के संकट को लेकर के मैं बात कहना चाहूँगा। देखिए, पानी के संकट भोपाल में क्यों आ रही है, इस बात पर बहुत गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है। आज हमारे पास बड़े तालाब से, कोलार डैम से, केरवा डैम से और नर्मदा से जल पानी लाने की सुविधा है, लेकिन हमारे भूजल स्तर कितना गिर रहा है, इस पर हमने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। यदि हम देखें तो नवाबी शासनकाल में जो बड़ी बड़ी बावड़ियाँ थी, उसमें आज भी पानी की मात्रा है। यदि उनकी साफ़ सफाई करवा के हम
सीमित एरिया में जहां वो बावड़िया है उस बावड़ी है उस क्षेत्र में ही पानी की सप्लाई करे तो बहुत ज्यादा हमारी समस्या हल हो जाती है। हमारे जो निजी इंटरवेल है ट्यूबवेल है उस पर भी क्योंकि हम जल संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे इसलिए उनका जो है जल स्तर नीचे चला जा रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर में जो घरों कई घरों में या कई बड़े बिल्डिंग में या कई खिलावन जी एक चीज है जैसा आप कह रहे हैं बावड़ियों के संरक्षण की बात और जो जल स्रोत है उनको भी संरक्षित करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर यदि ऐसा इस दिशा में भी प्रयास होते हैं तो बहुत कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन मुसीबत सबसे ज्यादा ग्रामीण अंचलों में है। मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र का जो के हाल हमने अभी हमारे पास जो खबरें आती हैं उसमें हम देख रहे हैं कि लोग पूरे के पूरे गांव खाली हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि पीने का पानी नहीं है और दो बूंद पानी के लिए भी उन्हें कई किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार को जो तुरंत कदम उठाना चाहिए उसमें भी नाकाम साबित हो रही। वो बहुत सही बात कह रहे हैं और सभी को ये बात मानना चाहिए कि जो स्थिति निर्मित हुई है पेयजल संकट की, आज पानी का जो संकट है, निश्चित तौर पर उसके लिए कहीं ना कहीं आप और हम सब ही जिम्मेदार हैं और जन संरक्षण के दिशा में भी बहुत कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन इस वक्त जब उनके कंठ गीले हैं, दो दो बूंद पानी को तरस रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो सरकार कहाँ है, ये मेरा सवाल। देखिए आज संकट बुंदेलखंड का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से का को जल संकट झेलना पड़ रहा है, लेकिन खासतौर पे मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड में जिस समय राजा महाराजा हुआ करते थे उन लोगों ने बड़े बड़े तालाब खुदवाए थे। आज उन तालाब की स्थिति देखिए आप, बुंदेलखंड पैकेज आया, बड़े बड़े छोटे छोटे जो है नदियों पर स्टाप डैम बने, उनकी हालत आप जाके देखिए, स्टाप डैम में पानी रोकने के लिए फाटक तक नहीं है, स्टाप डैम का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात फिर यही मैं जागरूकता का सवाल उठाता हूँ कि हमें जब हर साल पीने के पानी की संकट आती है तो हमें जल संरक्षण के उपाय क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे हमारे कुएं यदि सूख जाते हैं तो वहाँ दूसरे के कुएं से पानी खरीदना पड़ता है, हमें ये हालत है। और सरकार के पास यदि किसी गांव के आसपास के गांव में भी पानी की व्यवस्था नहीं है तो टैंकर से भी पानी कहां से लाएंगे, वो कहां से सप्लाई करेंगे, ये बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए सरकार को दीर्घकालीन उपाय सोचना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि केन बेतवा लिंक परियोजना है वो बहुत बड़ा सहयोगी सिद्ध होगा उस एरिए के लिए, न सिर्फ पानी पीने के लिए बल्कि सिंचाई के लिए और समृद्धि के लिए बहुत सार्थक परियोजना है। उस परियोजना पर बिना किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के केंद्र और राज्य सरकार को बात करना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को बात करना चाहिए। संयुक्त रूप से जो बातें अभी पटल पर आई है कि जो बाधाएं उसको दूर करके केंद्र सरकार को कोई सार्थक पहल करके केन बेतवा प्रोजेक्ट को लागू करना चाहिए ताकि पीने के पानी, सिंचाई और समृद्धि सभी समस्याएं वहां की दूर हो सके। जी रमेश जी, आपने खुद इतना देखा है, इतना वक्त देखा है, सरकारों को देखा है, ये समस्या नई नहीं है, हर साल कमोवेश यही हालात बनते हैं। वो दौर भी हमारे भोपाल वालों ने देखा है कि जब बड़ा तालाब सूख गया था और लोग वहाँ पर जो है खुदाई का काम भी किया गया था, गहरीकरण का काम भी किया गया था, फिर अभी मानसून आ जाएगा, बरसात आ जाएगी, स्थितियाँ फिर काबू में आ जाएंगी, पेयजल संकट फिर कहीं नेपथ्य में चला जाएगा, अगली गर्मी तक का फिर इंतजार होगा। क्या लगता है आपको, सरकार, इतनी सरकारें आई, चाहे बीजेपी का भी 15 साल का शासन रहा, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब फिर कांग्रेस की सरकार आ गई है, जल संकट ज्यों का त्यों है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, पर्यावरण जिस तरह से हमारा बिगड़ रहा है, पारा जो आप खुद देख रहे हैं कि 48-50 ये जिन डिग्री को वो छू रहा है, वो सब किताबी बातें हुआ करती थी आज, लेकिन उस तापमान को हमारे मध्य प्रदेश के लोग जो हैं सहन कर रहे हैं और पेयजल संकट इतना गहरा गया, तो क्या लगता है आपको, ऐसी कोई ठोस पहल पूरे मुसलसल पूरे साल भर नहीं की जाना चाहिए, साल भर इस पर चिंतन मंथन नहीं किया जाना चाहिए, क्या इससे संबंधित विभागों को एक ठोस रणनीति पर काम नहीं करना चाहिए ताकि जब गर्मियाँ आए तो जिस तरह से बरसात के पहले नालों की सफाई होती है उसके पहले गर्मी से पहले पेयजल संरक्षण की दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है, वैकल्पिक इंतजाम क्या हो सकते हैं, इसके लिए नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जल संरक्षण का काम ये पूरे साल बल्कि पूरी जिंदगी चलने वाला काम है जी। ये हमने जल आखिर संरक्षित कहाँ होता है जी। जल धरती में होता है संरक्षित, पहाड़ में होता है, पेड़ में होता है, पोखर में होता है। पेड़ अगर रहता है उसकी जड़ें जल को पकड़ करके रखती हैं और वो अंडरग्राउंड धरती में धीरे धीरे नदियों में जाकर के रिसता है, उससे नदियों का वाटर लेवल बना रहता है। आपने योजना पूर्वक सारे तो पहाड़ काट डाले जी, सारे पोखर आपने समतल कर दिए, नदियों का सारा कैचमेंट एरिया वहाँ आपने बस्तियाँ बसा दी। भोपाल का ही अगर आप बड़ा तालाब देखेंगे
मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है, शैलेंद्र जी को भी याद है, हम अगर भोपाल से बैरागढ़ की तरफ जाते थे तो बहुत सकरा रास्ता था, और उस सकरे रास्ते में भी बरसात में तालाब का पानी सड़क पर आ जाता था। जी वो देखा, मैंने भी नजारा देखा। ठीक है जी। अब आप अगर देखेंगे तो कम से कम आधा आधा किलोमीटर तालाब में बस्तियां बन गई हैं, शादी घर बन गए हैं, गाँव के गाँव बस गए हैं। आखिर आप तालाब के कैचमेंट एरिया में बस्ती बरसाते चले जाएंगे तो पानी आकर रुकेगा कहाँ पर? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, पेड़ों की लगाने का काम या पहाड़ को काटने का काम, सड़क बनने के लिए गाड़ी हम 100 की रफ्तार से लगाएं वो एक मिनट के लिए हमको अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमने उससे पहाड़ को समतल कर दिया तो पानी आके रुकेगा क्या? तो कुल मिलाकर के हम पूरा लठ लेकर के इस बात के लिए पड़े हुए हैं कि धरती का कोई एक कोना भी एक बूंद पानी ना पी पाए। मुझे आप ये बताइए, ये योजना ऐसी बने, समाज की मानसिकता ऐसी हो कि गांव का पानी धरती गांव में पी ले, खेत का पानी धरती खेत में पी ले, शहर का पानी धरती शहर में पी ले, और घर का पानी घर में पी ले। आप मुझे बताइए, जो आर्किटेक्ट हुआ करता था प्राचीन अगर वैदिक काल के भारत को आप देखें तो उसमें सख्त निर्देश था कि राजपथ और अतिथिशाला, घर की अतिथिशाला और राजपथ, इसके अलावा कोई फर्श पक्का ना बनाया जाए, केवल इसलिए कि भाई दब किचन में अगर कोई गिलास लुढ़क गया तो धरती के अंदर वो पानी चला गया, बेडरूम में अगर गिलास लुढ़क गया तो धरती ने वो पानी भी पी लिया। ये जो सिस्टम था, अब आपने यहाँ से वहां तक पूरा घर पक्का, पूरी सड़क पक्की, घर और सड़क के बीच में सारे रास्ते पक्के, तो धरती आकर पानी पिएगी कहाँ पर? तो कुल मिलाकर के अभी अभी सब हाय तोबा चल रही है, अखबारों में भी चल रही है, हम लोग भी उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कल ईश्वर की कृपा से अगर पानी बरस जाएगा सारे लोग चादर तान, वही बात मेरा सवाल वही था सब। तो कुल मिलाकर के ये 2400 घंटे और पूरे 365 दिन पानी की हिफाजत करने वाला काम है, वरना हम अपन लोग तो जी लिए। आने वाली पीढ़ी ऐसी है जो जल संकट आ रहा है, आप मान के चलिए कि 2025 के बाद, बहुत दिन नहीं बचे 2025 में, देश के 25 जिले ऐसे हैं जो इनमें सूखाग्रस्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जिनमें ड्राइनेस आने लगी है। जिस बुंदेलखंड की आप चर्चा कर रहे थे, बुंदेलखंड में इस बार 48 तक टेम्परेचर गया है। आप मुझे बताइए लोग रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? तो कुल मिलाकर के हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए भयानक मौत का आह्वान करके जाने वाले हैं। अभी भी अगर समाज चेते पानी का संरक्षण अगर शुरू करे तो मैं समझता हूँ तभी हम आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी शैलेंद्र जी, जैसा रमेश जी ने कहा, खिलावन जी ने भी चिंता जताई है जल संरक्षण की, वो भी पैरवी कर रहे हैं कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें बहुत हद तक जन भागीदारी भी एक बहुत बड़ा इशू है, वो भी यदि हो तभी जाकर कोई इस दिशा में काम मुकम्मल हो सकते हैं। आक्षेप लगाना एक बात है, लेकिन क्या सलाह देंगे? केंद्र में अब आपकी सरकार आ गई है, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन जितना किया जाना चाहिए था शायद किया गया होता तो ये हालात नहीं होते, किसी की भी सरकार हो। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कमलनाथ सरकार को कि क्या उन्हें कदम उठाना चाहिए, और क्या आप अपेक्षा करते हैं कि केंद्र सरकार भी मदद करे ताकि मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात कम हो ना बने, और भीषण गर्मी में कम से कम जल संकट से तो किसी व्यक्ति को ना जूझना पड़े। रहा सवाल बिजली का, तो वो अब राजनीतिक मुद्दा ज्यादा हो गई है, कहा जाता है कि संकट पैदा किया गया या संकट हो गया वाली बात है, लेकिन पानी तो कम से कम हर गले तक पहुंचे, हर गला उस पानी से तर रहे, लोगों को पानी के लिए ना भटकना पड़े, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये पानी और गर्मी, ये दोनों विषय नेशनल इश्यूज हैं जी। मैं इसके लिए कमलनाथ सरकार अगर इमीडिएट कोई रिलीफ हो अलग बात है, पर वाटर को इंटरकनेक्ट जब तक नहीं करेंगे तो जो पानी हमारा मोस्ट शायद 60% वाटर समुद्र में चला जाता है। अगर वही पानी अगर इंटरकनेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इधर से उधर करो, कम से कम पानी जो सरप्लस है वो एक से दूसरे नदी या तालाब या उसमें, अब भोपाल में 3 तालाब होते थे हमारे पुराने भोपाल में जो ताजमहल के पास, वो सब अतिक्रमण में आ गए। दूसरा ही इसका दोषी कौन है सर? दोषी कौन है? देखिए, बेसिकली हम सब अपराधी हैं जी। हम सब अतिक्रमण का दोषी, वो तो सरकारें ही करती हैं ना, वही वो नेशनल कैरेक्टर हमारा वैसा नहीं बन पाया है जी। कि हम ये सोचे कि ग्रीनरी हमारा अधिकार नहीं,
ग्रीनरी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि सर ये मैं आपको बीच में टोकरा माफी चाहूंगा उसके लिए, मेरा ये सोचना है कि कम से कम ये जो है ये ऐसा विषय है कि राजनीति से ऊपर हट के सोचना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि बीजेपी को भी जो उनके जो सीनियर लीडर हैं, जो कई विभागों की संबंधित विभागों की कमान संभाल चुके हैं, उनका कोई अनुभव है, कोई तजुर्बा है, तो वो भी शेयर हो ताकि इसको राजनीति से उठ के ये समस्या का हल निकाला जाए। अब आप अपनी बात। हाँ, देखिए इंटरकनेक्शन ऑफ रिवर्स एक इशू है। दूसरा, अब आप देखिए अपन लोग सब एसी के आदि हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पहले हमें याद है कि ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास होता था पर उसमें एसी कूपन नहीं होता बिल्कुल, और अब ये हो गया कि पूरी ट्रेन एसी हो तो सर देखिए सुविधा होगी तो व्यक्ति होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो जाहिर तौर पे लोग उसका इस्तेमाल भी करेंगे, उपभोग भी करेंगे और उपयोग भी करेंगे, दोनों ही बातें। लेकिन मेरा ये जो सवाल आपसे ये है कि आप एक बीजेपी, एक बड़े जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उस पार्टी से आप आते हैं, मेरा ये जो सवाल था कि क्या नहीं होना चाहिए कि सारे लोग मिलके, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस सीरियस मुद्दे पर तो कम से कम राजनीति से हट के कोई एक बात की जाए, तो क्या सुझाव आपका होगा? बस मेरा ये कहना था। भाई देखिए, जो एक अभी प्रपोजल आया था कि एसी का मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 24 से नीचे नहीं होना चाहिए, जापान में है, अब अपने यहाँ लोग एसी के इतने आदि हो गए कि 17-18 टेम्परेचर पे एसी रखने लगे हैं, तो कार्बन एमिशन जो हो रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो ये दोनों हीट एंड वाटर दोनों उस पे इफेक्ट होते हैं। तो हमको नेशनल ग्रिड बनाना होगा वाटर का, और डिस्प्यूट्स के लिए जगह नेशनल उसको वाटर को नेशनल एसेट मानना पड़ेगा, तब जाके ये, तब भी आसान नहीं है, बहुत मल्टी एंड मल्टी मिलियन डॉलर्स और करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, पर आखिर कहीं तो शुरू तो करें। अब वो केन बेतवा लिंक में फॉरेस्ट्री पे आ जाता इशू, भाई पानी आएगा तो फॉरेस्ट भी ज्यादा होगा, हर जगह फंसाने का काम होता है, काम रोकने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कि खिलावन जी आप क्या कहेंगे, कई बार चीजें देखने में आती हैं कि एक दूसरे पे जो है ठीकरा फोड़ दिया जाता है। अब वनों की कटाई हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पानी जो है बह जाता है, भूमिगत जल जो है उसका कम होता जा रहा है। लेकिन यदि बात करेंगे किसी संबंधित विभाग से तो वो कहेंगे भैया वन विभाग देखे इस मामले को, वो वहां क्यों कट रहे हैं वन, तो एक दूसरे पर थोपना ज्यादा होता है, सामूहिक जवाबदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ये भी जो है शैलेंद्र प्रधान जी का भी कहना है कि बहुत बड़ा बड़े स्तर पर इस बात बारे में सोचना चाहेगा, राजनीति से ऊपर उठ के मेरी ये सोच है कि सोचना चाहिए। आप क्या कहते हैं कि किस तरह से कमलनाथ सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए, क्या केंद्र से उसको मदद मिले इस दिशा में, ताकि मध्य प्रदेश को आने वाले समय में जो नई पीढ़ियाँ आ रही उन्हें पेयजल संकट का सामना ना करना पड़े, ये आपका सवाल। देखिए अमनाथ जी, दो बातें हैं। एक तो यदि दृढ़ इच्छा शक्ति किसी सरकार की हो तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कसावट लाने की ज़रूरत होती है, और दूसरी बात कुछ परियोजनाएं ऐसे हैं जिनके लिए धन की ज़रूरत होती है जी। तो धन भी इतना अपन हमारा प्रदेश या देश इतना गरीब नहीं है, इतने साधन भी नहीं है कि इनकी पूर्ति ना हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत निर्माण कार्य होते हैं, हो रहे हैं, चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे कंक्रीट के जंगल फैलते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, कॉलोनियां बस्तियां बस रही हैं, जंगलों में भी आप देख रहे होंगे कि लगातार रिसोर्ट्स बनते जा रहे हैं, वहाँ कंक्रीट के सड़क बनते जा रहे हैं, तो पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। मेरा ये कहना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया है कि आप एक पेड़ काटेंगे और 20 पेड़ लगाएंगे, तो यदि सड़क निर्माण के लिए एजेंसी को अनुमति दी जाती है, ठेका दिया जाता है, तो सबसे पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस एजेंसी ने, उस सड़क निर्माता ने, उस ठेकेदार ने सड़क किनारे पहले एक के बदले 20 पौधे लगाए हैं कि नहीं जी। आप देखते होंगे कि 4-lane सड़कें बहुत बनी हैं मध्य प्रदेश में, और जो सबसे फर्स्ट नाम से हैं जो 20 पेड़ लगाने के नियम है वो कहीं पालन नहीं किया गया है जी। वो बीच में जो है डिवाइडर होता है उसमें छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, फूल के पौधे, और उसको गिनती में ले आते हैं। तो मुझे ये कहना है कि जो आपने विशालकाय पेड़ सड़क के बनाने के नाम पर काटे हैं, जो आपने कंक्रीट के उनकी भरपाई करने के लिए जो काटे हैं, उसकी भरपाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है।
यदि वन विभाग को देखें तो वन विभाग जितनी कटाई करती है साल भर में, यदि उसका अनुपात लगाया जाए तो उस अनुपात में वो 2% भी वृक्षारोपण नहीं करती है, और वृक्षारोपण करती भी है तो कागजों में करती है, और करती यदि प्रत्यक्ष में भी करती है तो वो उसका संरक्षण नहीं करती। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि वनों की अंधाधुंध कटाई, पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उससे पर्यावरण को बहुत लाभ हो रहा है। उससे न सिर्फ पीने के पानी की समस्या पैदा हो रही है, भूजल का स्तर नीचे जाता जा रहा है, संरक्षण नहीं हो पा रहा है पानी का, और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी अविनाश चंद्राकर जी। मेरा ये आप सभी से एक सवाल है, छोटी छोटी सी टिप्पणी में लेना चाहूंगा, बड़ी संक्षिप्त में आप अपनी बात खत्म करिएगा। जो अभियान चलाया पिछली सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, स्वच्छता अभियान चलाया, मिशन की तरह उसको लिया, तो बहुत लाखों की तादाद में शौचालय बने और एक बहुत अच्छी पहल थी वो। उसके बाद जो है स्वच्छता मिशन के तहत शहरों में कंपटीशन हुआ कि सफाई में कौन नंबर वन है कौन नंबर टू है, तो हमारा भोपाल लगातार दो बार जो है दूसरे नंबर पर आया, इंदौर पहले नंबर पर आया। तो ये एक मुहिम की तरह उसमें, लेकिन सरकारी तो प्रयास थे ही, संबंधित नगर निगमों ने बहुत काम किया, लेकिन लोग भी जुड़े। क्या नहीं लगता कि ऐसा ही कोई अभियान चलाने की जरूरत है? सरकार अपनी तरफ से प्रयास करे, योजनाएं बनाए, उनको लागू करे, लेकिन जन भागीदारी जुड़े, एक एक शख्स जुड़े, एक एक बंदा, एक एक नागरिक हमारा, हमारे देश का इस मुहिम से जुड़े। इस तरह की वृहद मुहिम चलाकर भी बहुत कुछ चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या कहेंगे, छोटी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा आप। मोटे तौर पर इस तरह के वाकई जन जागृति इसमें होना चाहिए, जिससे सफाई के लिए अब जन जागृति हुई है, आदमी खुद से कागज उठा करके रेलवे प्लेटफार्म पर उठाकर डब्बे में डाल रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं अतिक्रमण रुके और जल संरक्षण के लिए देश भर में लोगों के मन में आए, खुद पानी बचाएं और धरती कैसे पानी पिए इस पर विचार होना ही चाहिए। जी शैलन जी क्या कहेंगे आप? देखिए इसको नॉन पॉलिटिकल इश्यू बना के जी सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर जी कोई नेशनल लेवल पे एक अभियान चला के इसको देखिए, ये समस्या और बढ़ती जाएगी। इसको अभी नहीं चेक किया तो आप समझ लीजिए यू आर ऑन द डेथ ट्रैप। जी जी इसका करना ही होगा। जी खिलावन जी देखिए अविनाश जी, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि कोई एक जन अभियान बने, कोई एक सारे के सारे लोग मिलकर, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पब्लिक के लोग हो, चाहे जन समसेवी संगठन हो, सबके सब मिलके जब तक इस काम को नहीं उठाएंगे, बीड़ा नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसा ही रहता होगा। मेरा तो ये सोचना है सर, आप सभी वरिष्ठ हैं, आप लोगों ने बहुत तजुर्बा आप लोगों का बहुत बड़ा है। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ इनाज जी, जी वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। जी किसी भी बिल्डिंग में तभी परमिशन दी जाती है जब वाटर हार्वेस्टिंग की वहाँ व्यवस्था हो जी। लेकिन आज आप मैदान पे देख रहे होंगे, रमेश भैया यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से नगर निगम जब अनुमति देती है किसी निर्माण को तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं ये देखने तक नहीं आती जी, या उन नियमों का पालन किया जा रहा है देखा भी जी, नहीं। नियम बनते हैं लेकिन पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग के लिए हमें जिस मकान में हम 1 करोड़ का मकान बना रहे हैं उस मकान में हम पानी के संरक्षण का उपाय नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसको एक जन अभियान के रूप में अपना के आगे बढ़ना चाहिए, तभी बेहतर जी। मेरे को तो लगता है कि सख्ती और सलाह और सुझाव, इन तीनों के बिना मेरे को नहीं लगता कि ये इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। तीनों ही चीजें करना पड़ेगी, शासन को जो है सरकार को इच्छा शक्ति भी अपनी दृढ़ रखना पड़ेगी, सख्ती से नियम कानूनों को लागू कराना पड़ेगा और लोगों को भी समझ से काम लेना होगा, तभी जाकर के इस समस्या का कोई ना कोई हल और स्थायी हल निकाला जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। आज की बात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, नमस्कार।